गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत अब हो रही है और अब टाइम हो गया है 10:58, ओनली 2 minutes to 11 इन द मॉर्निंग। और आज से हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी टाइम पर निकलें, 11:30 मैक्सिमम 12 बजे तक, तिलक नगर अवेक एंड अलाइव फाउंडेशन कॉन्टैक्ट सेंटर, या उसको सही से कहें तो अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर पर पहुंच जाया करें 11:30 तक, ताकि दिन में कुछ काम सही से हो सके। हाँ, कहीं और जाना हो तो फिर हम वहाँ डिले कर सकते हैं, बट रेगुलर एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि 11 बजे तक या मैक्सिमम 11:30 तक वहाँ पहुँचा जाए। तो अभी निकल रहे हैं फटाफट, 2 मिनट रह गए हैं 11 बजने में, और जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ। पहुँच गए हैं जी अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर, और आज नए सेटअप के साथ बैठे हैं हम। ये देखो, मेरे बैकग्राउंड के ऊपर पहले कुछ और होता था, अब वो बैकग्राउंड चली गई है उधर, हमने चेंज कर लिया। और विनय भाई साहब हमारे से पहले पहुंचे हुए थे, हालांकि मैं यहां पहुंच गया था 11:10 पे, तो अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले तो आप आ ही गए थे, तो 10:30-11 तक आ गए थे, और मैं 10 मिनट्स आफ्टर 11 ग्यारह दस पे पहुंचा था। तो दिन की शुरुआत कर ली है हमने और कुछ काम शुरू करने जा रहे हैं अभी, और फिर हल्के हल्के जैसे जैसे दिन बीतता है आपको मिलते हैं नए अपडेट के साथ। अब टाइम हो गया है 12:22, देखो दोनों चीज़ें मिक्स कर दी, 12:22 हुए हैं दोपहर के, 22:00 और हम पता कहाँ जा रहे हैं, देखो हम जा रहे हैं चाय लेने के लिए, यू नो इन हाउस हमारे पास यहाँ अभी चाय बनाने की फैसिलिटी नहीं है, तो अब सेकेंड राउंड के लिए आज मैं घर पर नहीं हूँ, कल तो मैं घर पे था तो सेकेंड राउंड मेरा घर से हो गया था। आज हम आ गए थे अपना अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर, तो हमने कहा चलो यहीं से चाय ले लेते हैं, और सेकेंड राउंड आज तकरीबन समझ लीजिए 12:45 बज ही जाएगा ना, तो हल्की सी भूख लगती है, हल्का सा सुस्ती सी छाने लगती है, तो चाय पी ली जाती है, राइट। सो फिर अब लेके आते हैं चाय और फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। ये पता क्या है, दीज आर इन डिफरेंट शेप्स, पर ये हैं, ये इसको क्या चीज़ बोलते हैं, ये क्या होता है, अटरी। अटरी ये किस चीज़ से बनती है, चीनी। और वो जो पीछे वाला वो पड़ा है खिलौने, वो खिलौने, उसको खील बोलते हैं, खील क्या होता है, खिलौने। तो ये दिवाली पे आप लगाते हो यहाँ, ठीक है, थैंक यू। लेटर दैट सेम इवनिंग अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर से जब घर की तरफ वापस आ रहा था ना, तो रस्ते में एक चीज़ नज़र आई और फटाफट मैं अपनी छत पे आ गया हूँ दिखाने के लिए, इससे पहले कि वो डूब जाए, बिल्कुल एकदम वर्ज पे। एक मिनट रुको जल्दी, ये देखो मैंने इसको तकरीबन 4x जूम पे कर रखा है, और ये ना चांद नहीं है, ये सूरज है, और वो बादलों के पीछे कैसे चला जा रहा है, एकदम बिल्कुल राउंड नज़र आ रहा था जब मैंने ये देखा था, और बिल्कुल ये हल्के हल्के करके ना बादल इसके ऊपर आ गए हैं। और ये देखो अब 6x जूम के अंदर दिखा रहा हूँ, और इसको देख के ना मेरे को एक गाना याद आया था, पूरा गाना नहीं बोलूँगा क्योंकि अगर पूरा गाना बोला ना तो कॉपीराइट आ जाता है यार, हल्की सी लाइन पूरी बोलने में ही, वो जो गाना था जिसमें चांद हुआ मध्यम, पता नहीं सूरज हुआ मध्यम और समथिंग लाइक दैट, तो ये आज दिख गया है, सूरज मध्यम हुआ हुआ। एनीवेज घर पहुँच गए और चाय बनाते हैं और फिर चाय पर मिलते हैं। उतर गए हैं जी छत से नीचे, और ये तैयार पड़ी है हमारी चाय, अभी चाय पी लेते हैं, और कुछ काम है जो वो पेंडिंग तो नहीं खैर बोल सकते, ऑनगोइंग काम होते हैं, तो अभी के जो काम है वो निपटा लेते हैं थोड़ा सा, फिर रेस्ट करेंगे और फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। हो गए हैं जी दोबारा से रेडी और निकल रहे हैं गेड़ी के लिए, टाइम हो गया है 7:09 शाम के, इट्स 9:07 इन द इवनिंग, और बाहर क्या हालात हैं पता नहीं भैया, दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठे थे, देखते हैं बाहर कितना पोल्यूशन है, क्या है, आपको भी दिखाते हैं क्या स्टेटस है, क्योंकि यार बहुत देर तक रुक के ना घर पे, चलो एनीवेज तो निकलते हैं गेड़ी पे और अपडेट अगले के साथ मैं मिलता हूँ जल्दी आपको। स्मोक का असर तो है भाई, और कल के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ा हुआ है,
अब देखो यार, क्योंकि बारिश अगर हो जाती तो ज़्यादा बढ़िया था, थोड़ा ये स्मोक और जो मिट्टी धूल है हवा में वो कम हो जाती, पर जो होती नज़र नहीं आ रही अभी फ़िलहाल। चलो भाई, सबके लिए है, हमारे लिए अकेले के लिए नहीं है, देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। टाइम हो गया है 9:17, quarter past 9 एट द नाइट, और एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटोरेटेड, एकदम बेकार। एक मिनट, मैं आगे से दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं लाइट कैसे फट रही है, और ये देखिए धूल और धुआं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैं कोशिश करता हूँ जाके AQI आज का जो यहाँ का है हमारा वेस्ट दिल्ली का, वो आपको गूगल से सर्च करके उसका स्क्रीनशॉट भी साथ लगाता हूँ यहाँ पे। सच में बहुत ज़्यादा, ये मेरे पीछे जो लाइट्स आ रही हैं ये फटी हुई, देखो इनको लाइट्स को कैसे बहुत ज़्यादा फैली हुई लाइट्स आ रही हैं, और धुआं और धूल, शायद वो ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। मैं फटाफट मुंह पे कपड़ा लगाता हूँ, बांध लिया है जी कपड़ा मुंह पे, ये मेरा हैंकी होता है। ये कोविड के टाइम में भी हम ऐसे ही चलते थे, और आज भी हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि ऐसे चलने की मजबूरी बन गई है यार। चलो मिलते हैं, घर पहुँच के मिलते हैं भाई साहब। इस टाइम सॉरी हालत देख रहे हो, बाहर ऐसी हालत है, आंखों से ऐसा नज़ारा, शायद ये मोबाइल कैमरा जो है इसने ऐसा जस्टिफाई नहीं किया। इतना भयंकर बाहर हालात हुए पड़े हैं, इतने भयंकर के फिल्में देखा करते हैं ना, वो लोग ऑक्सीजन मास्क लगा के ऐसे दो वाले घूम रहे हैं, ऊपर डोम बना हुआ है और उस डोम के बाहर धुआं ही धुआं है। हम ऐसा लग रहा है कि डोम के बाहर वाले लोग हैं, और हमारे इलाकों में धुआं धुआं भर रखा है। ये जो पॉलिटिशियंस नेता लोग हैं ना, इनके घर में फिल्टर लगे हुए हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा यार। एक्चुअली सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, और मैंने अभी गूगल किया तो खाली दिल्ली नहीं, पंजाब से लेके और उसके बाद यहाँ से हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मुंबई तक, ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट, राजस्थान, ये इतनी छोटी छोटी कण धूल के 2.56, जिसको PM10 और PM2.5 कहते हैं, पार्टिकुलेटेड मैटर्स जो होते हैं हवा में घुले हुए, इतना सीवियर कंडीशन दिखा रखा हर जगह, मतलब पूरा आधे से ज़्यादा इंडिया बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा इस पॉल्यूशन से और गले की वाट लगी पड़ी है यार। चलो क्या कर सकते हैं आप, मतलब मैं अगर कहीं गवर्नमेंट में होता या मैं कुछ ऐसा होता तो मैं कुछ पॉलिसी मेकिंग बनाता दिखाता। हाँ, आजकल मैंने सुना है कि कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि जो बारिश, जो कृत्रिम वर्षा जिसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग करके बारिश कराया जाना, उसके भी प्लानिंग चल रही है। तो भैया जल्दी करा दो यार, निजात दिला दो पोल्यूशन से, मैं तो परेशान हो ही रहा हूँ। जो बहुत छोटे बच्चे या जो बुज़ुर्ग हैं ना, वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं यार। क्या कर सकते हैं, मतलब अब कुदरत ही मेहरबान हो भाई, छेड़छाड़ ये करके अगर क्लाउड सीडिंग से कुछ करवा देंगे तो उसके रिपरकशंस भी होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुदरत मेहरबान हो जाए तो अपने आप ही बारिश आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, राइट। सो वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, इतनी मेहनत मेरी अच्छी लगी हो, अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक किए बिना प्लीज़ मत जाना। कुछ अच्छा लगा या बुरा तो कमेंट्स के अंदर, ईमेल से मुझे सजेशंस ज़रूर भेज दिया करो। अब मेरे से ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों सांस सी घुटने लगी हुई है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना बेल आइकॉन जरूर दबा लेना ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।